सोमवार का दिन गुरुग्राम वासियों के लिए धमाकों से भरा रहा। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में धमाकों की ऐसी गूंज हुई कि एक बार तो दहशत का माहौल पैदा हो गया। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे गुरुग्राम में सोमवार को आग ने तांडव मचाया और चारों ओर धमाकों की गूंज सुनती रही। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में पिछले एक सप्ताह में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसी ही कुछ घटनाएं गुरुग्राम में सोमवार को हुई। सोमवार सुबह 5 बजे से ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिली और इन आगजनी की घटनाओं से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल इसलिए हो गया क्योंकि जहां पर ये आग लगने की घटनाएं हुई वहां पर गैस के सिलेंडर्स ब्लास्ट होने शुरू हो गए। उसकी वजह से लोगों में हाहाकार जैसा माहौल था। सबसे पहले घटना अगर आपको बताएं हम तो गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में एक मकान के अंदर रखे छोटे छोटे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए जिसमें घर में रहने वाले सदस्य बुरी तरीके से जख्मी हो गए जिनको अस्पताल में भिजवाया गया और जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। इसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 40 इलाके में एक बिजली के खंभे के पास खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। ये घटना सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 29 फायर स्टेशन को सूचना मिली कि सेक्टर 40 में एक घर के बाहर खड़ी गाड़ियां और बाइकों में आग लगी हुई है। जिस सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और वहां पर जब पहुंची तो देखा कि एक बिजली के खंभे के पास एक बोलेनो कार खड़ी हुई है जबकि साथ में 2 बाइक्स भी खड़ी हुई हैं जिनमें भीषण आग लगी हुई है। इन गाड़ियों में लगी हुई आग को तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया, इन पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन एक बड़ी वजह यह सामने निकल कर आई कि बिजली के खंभों के पास खड़ी की गई गाड़ियां शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो गई। इसके बाद आग की सूचना आई, आग की खबर आई गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड के पास से जहां पर कुछ झुग्गियों में अचानक दोपहर आग लग गई। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास दमकल विभाग को सूचना मिली कि सेक्टर 29 में ही झुग्गियों में आग लगी हुई है। जिस सूचना पर फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे, वहां पहुंचे तो देखा कि सारी झुग्गियां लगभग जल चुकी हैं। तकरीबन 15 से 20 झुग्गियां इस पूरी घटना में स्वाहा हो गई और यहां पर झुग्गियों में रखे छोटे छोटे गैस के सिलेंडर भी ब्लास्ट होने लगे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में भी किसी को चोट नहीं आई है। शाम ढलते ढलते गुरुग्राम में एक और आगजनी की घटना हुई जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने देखने को मिली, जहां पर एक ढाबे में शाम तकरीबन 6:30 और 7 के बीच में आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद ही इस ढाबे में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हो गए। सबसे पहले तो जब आग लगी तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उस आग की घटना को देखने लगे, लेकिन वहां पर बिजली के जो तार वहां से जा रहे थे उन तारों में भी स्पार्क होने लगा और उसकी वजह से लोग थोड़ा थोड़ा दूर खड़े हो गए। कुछ लोग जब वहां पर वीडियो बनाने लगे तो अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। इन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से तेज धमाकों की आवाज होने लगी और जैसे ही सिलेंडर्स में ब्लास्ट होते लोग डर के मारे और पीछे हट जाते। जैसे तैसे किसी ने दमकल विभाग को इस पूरी घटना की जानकारी दी जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी गाड़ियों के साथ यहां पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से ही इस ढाबे में आग लगी। गनीमत यह रही कि आसपास जो मकान वहां पर मौजूद है और आसपास जो दुकानें थी उनको किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से यहां पर सिलेंडर्स में धमाके हो रहे थे उससे एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे को होने से टाल दिया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी समय से मौके पर पहुंचे और आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया। गर्मी का समय चल रहा है और ऐसे में गर्मियां बढ़ते ही आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ने लगती हैं। ऐसे में बहुत सी एहतियात बरतने की आवश्यकता है और अगर ऐसी कोई घटना किसी के आसपास हो जाए तो तुरंत फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दें ताकि फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए और हादसे को बड़ा होने से बचा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।